बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यूपी के बदायूं जिले में एक व्यक्ति ने नाबालिग से कथित तौर पर दुष्कर्म किया। मिली जानकारी के अनुसार आरोप है कि जब आरोपी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहा था, इस दौरान वहां मौजूद उसकी पत्नी मोबाइल से वीडियो बना रही थी। इतना ही नहीं, इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि पीड़ित लड़की की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद तहकीकात करते हुए आरोपी पति पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि दोनों आरोपी दंपति को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही इनके खिलाफ रेप, पॉस्को और आईटी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। पुलिस के अनुसार किशोरी ने अपनी शिकायत में कहा है कि 12 जुलाई को गांव के रहने वाली व्यक्ति ने उसे अपने घर पर बुलाया और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता ने कहा कि जब आरोपी घिनौने कृत्य को अंजाम दे रहा था, उसी समय आरोपी की पत्नी मोबाइल फोन लेकर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। किशोरी ने शिकायत में कहा कि आरोपी दंपति ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को कुछ भी बताया तो वह वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद नाबालिग ने परिवार वालों को घटना की जानकारी तब हुई जब आरोपी की पत्नी ने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद पीड़िता के परिजन ने पुलिस के पास जाकर मामले की शिकायत दर्ज करवाई है।